श्री लाल कृष्ण अडवाणी 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही अडवाणी जी वह शख्स है जो सबसे ज़्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष पद पर बने रहे। वह तो 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद अडवाणी की जी पहले गृह मंत्री रहे, बाद में अटल जी की कैबिनेट में उपमंत्री बने। अडवाणी जी को बेहद बुद्धिजीवी, काबिल और मजबूत नेता माना जाता है, जिनके भीतर मजबूत और संपतरा भारत का विचार जड़ तक समित है। जैसा कि अटल जी बताया करते थे, अडवाणी जी ने कभी राष्ट्रवाद के मूलभूत विचार को नहीं त्यागा और इसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जीवन में वह आगे बढ़े और जहाँ जरूरत महसूस हुई वहाँ उन्होंने लचीलापन दिखाया। अडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत में हुआ था। वह कराची के सेट प्रैक्टिस स्कूल में पढ़े हैं और उनके देशभक्ति के जज्बे उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह जब महज 14 साल के थे उस समय ने उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। 1947 में अडवाणी जी देश के आज़ाद होने का जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि आज़ादी के महज कुछ घंटों में ही उन्हें अपने घर को छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस घटना को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मन में इस देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प ले लिया। इस विचार के साथ वह राजस्थान में RRS प्रचार के काम में लग गए। 1980 से 1990 के बीच अडवाणी जी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीट से हासिल करने वाली पार्टी को लोकसभा चुनाव में 66 सीट से मिली, जो उस समय लिहाज से वह काफ़ी बेहतर प्रदर्शन था। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 पर पहुंच गई। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। अच्छे पारिवारिक संबंधों वाले भावुक अडवाणी जी ने उस समय कहा, प्रकृति हमारे सामने खुशहाली और उनके मायने सामने ला कर रख देती है ताकि हम खुद उसमें चुन सकें, लेकिन मुझे भारी मात्रा में दोनों प्राप्त हुए हैं। आज अडवाणी जी भारत के लोगों से ही सही निर्णय लेने का लिए कहते हैं, ऐसा नेता चुनने के लिए कहते हैं जिसने भारत का अतीत देखा हो, जो कल से आज ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा हो, यह सुनिश्चित कर सके कि हर बीतते दिन के साथ भारत और ज़्यादा तरक्की करे, आगे बढ़े और मजबूत बने। 1990 में जब देश विकट परिस्थिति में जूझ रहा था, जातिवादी तत्व एक तरफ हमारी एकता और अखंडता को तारा तार कटने पर तुले हुए थे, दूसरी तरफ 6 धर्मनिरपेक्षता के पेरा का धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते थे। उस दौरान श्री लाल कृष्ण अडवाणी आगे आए और इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया। उनके आंदोलन ने राष्ट्रवाद की दबी कुचली भावनाओं को नई जगह ही नहीं दी बल्कि हमारे देश के उच्च नैतिक आदर्श को भी पुनः प्रतिष्ठित किया। वर्षों में पहली बार एक परंपरा हमारे देश के जन्म मानस के विचारों को सामने लाने का वाहक बनी। श्री अडवाणी ने अपनी रथ यात्रा एक से दौर में शुरू की, जब लोग दिल्ली में बैठे अपनी सत्ता को जाति और धर्म के बंटवारे से मजबूती देने पर तुले थे। भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा के जरिए अपना संदेश जन 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 तक ले गई। एक ऐसी यात्रा थी जो भारत की चमकदार समुद्र तट से शुरू होकर हिमालय की ऊंचाइयों तक गई। यह किसी ईंट पत्थर को जोड़ कर एक मंदिर बनाने की यात्रा भर नहीं थी, यह राष्ट्र की भावनाओं से अपने पूज्यों को उनका सही स्थान दिलाने की यात्रा थी। सुप्तावस्था में पड़े राष्ट्रवाद की भावनाओं को इस पत्र ने जगा दिया। ये जौन मानसा की भावनाओं का एक शक्तिशाली अस्त्र में बदल देने का आज्ञा था, जिसने भारत की संस्कृति एकता को फिर से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के मुकाबले ला खड़ा किया। जब देश फिरंगी शासन की बेड़िया को उत्तर फेंकने की अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा था, तब श्री अडवाणी ने एक और यात्रा की सोची है। राष्ट्रवाद का उत्सव है जिसका प्रसार देश के विशाल भूभाग तक होगा। जो सपने भारतीय लोगों ने 15 अगस्त 1947 को देखे थे उनका पूर्ण जागरण होगा। ये उन वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। पिछले 8 वर्षों से ये भाजपा की 5वीं यात्रा है। आज जब स्वर्ण जयंती यात्रा देश में शुरू हो रही है तो यह एक उच्च अवसर है। पिछले 4 यात्राओं एक बार याद कर लेने का साथ ही है। करोड़ों लोगों की तरह अफरा तफरी के माहौल में अडवाणी जी ने 12 सितंबर 1947 को अपना घर छोड़ा और साथी व्यवसायों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। सिंध को अडवाणी में भारत आने के बाद परिवर्तन आया और वह RRS के प्रचारक बने।
सिंह से आने वाले सभी प्रचारकों को वरिष्ठ नेताओं को जोधपुर में इकट्ठा होने के लिए कहा गया ताकि आने वाले दिनों के लिए योजना का निर्माण किया जा सके। आरआरएस नेताओं से सिंध से आने वाले स्वयंसेवक को निर्देश दिए गए कि वह बंटवारे के बाद आकर रहे लोगों की सहायता करें। अडवाणी जी और अन्य सभी लोग इसी प्रकार से आने वाले जाने वाले प्रवासियों की मदद में जुटे थे और उन्हें राहत मुहैया करवा रहे थे। जोधपुर कैंप के ख़त्म होने के बाद उन्हें और अन्य लोगों को राजस्थान के कई इलाकों में भेज दिया गया ताकि वह लोक संघ के लिए अपने कार्य जारी रखे। अगले एक दशक तक राजस्थान ही उनकी कर्मभूमि बनकर रहा, पहले प्रचार के तौर पर और फिर भारतीय जनसंघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर। 1957 में अडानी जी ने राजस्थान छोड़कर दिल्ली आने के लिए कहा गया जिससे कि वह लोग अटल जी और नवचिविचित संसदों की मदद कर सके। इसके बाद दिल्ली इनके काम और राजनीतिक का अखाड़ा बन गई। अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने संसद के काम करने के तरीकों को सीखा और जनसंघ के लिए सवाल जवाब एवं पार्टी की नीतियों को तय करने का काम करते रहे। राजनीति में अडवाणी जी का प्रवेश नगरपालिका से हुआ। पार्टी की संसदीय वीक में काम करने के अलावा उनसे कहा जाता था कि वह दिल्ली की जनसंघ इकाई का बतौर महासचिव भार संभाले। पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भी जो उस समय अपने शिखर पर थी, ऐसे 80 के सदन में जनसंघ से 25 सीटें जीती जो कांग्रेस से महज 2 कम थी। CPI 8 सदस्य थे, बिल्कुल सटीक मात्रा जो ये तो कांग्रेस से जीत सकते थे जनसभा। चुनाव के बाद CPI के बाद ने जनसभा को हराने के लिए कांग्रेस को सहयोग देने के लिए कहा, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई कि प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी अरुण आसिफ अली को दिल्ली का पहला मेयर बनाया जाए। उस वक्त कांग्रेस ने यह शर्त मान ली, लेकिन बाद में महज एक ही साल में अतिरिक्त विवादों के कारण कांग्रेस और CPI का यह गठन टूट गया। इसके बाद जनसंघ और CPI एक लिखित समझौते के माध्यम से के साथ आए जिसमें कहा गया कि मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट दोनों पार्टियों के साथ की जाएगी, यानी पहली मेयर अरुणा अशरफ अली होगी और दूसरी मेयर केदारनाथ साहनी होगी। बाद में केदारनाथ साहनी मेयर होगी और दूसरा मेयर CPI किसी को बनाया जाएगा। अडवाणी जी के लिए यह राजनीतिक नेतृत्व और रणनीति के निर्माण बेहद अच्छी पहले थी। उन्होंने कहा, मैं अब आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरी जमीनी राजनीति की शुरुआत हुई है, कुछ ऐसा जिसने मुझे कई दशकों तक अपने साथ रखा। राजस्थान से दिल्ली आने के बाद सबसे पहला घर जिसमें अडवाणी जी रहे थे वह अटल जी का आधिकारिक निवास था, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड दिल्ली में। दफ्तर में करीब 3 साल तक काम करने के बाद अडवाणी जी ने अपने जीवन का एक नया अध्याय बतौर पत्रकार शुरू किया। 1960 में उन्होंने ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ऑर्गेनाइजर एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी जो एक IIS की विचारधारा से प्रभावित थी। 1947 में स्थापित ऑर्गेनाइजर का पाठक वर्ग काफ़ी कम था, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग के बीच इसकी गूंज हो चुकी थी। इसके संपादक आर मलकानी एक बढ़िया लेखक थे जिन्हें अडवाणी जी पसंद थे और वह भी सिंध से आए थे। मलकानी जी के कबील नेतृत्व में ऑर्गेनाइजर RRS और जनसदा के विरोधी और साथ वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होने लगा। एक दिन संप्रदाय की बैठक हुई जिसमें इस बात पर चर्चा हो रही थी कि पत्रिका काफ़ी सताई है और इसमें केवल राजनीतिक विषयों पर समृद्धि परोसी जाती है। तय किया गया कि इसमें सिनेमा जैसे तत्व जोड़े जाएंगे। अडवाणी जी जिन्हें फिल्मों का काफ़ी शौक था वह इस बात से खुश हो गए और नेत्रा नाम से सिनेमा थिएटर पर लेखना करने लगे। ऑर्गेनाइजर के साथ अडवाणी जी की 7 साल लंबी पारी अचानक 1967 में ख़त्म होने का आ गई। दिल्ली की राजनीति में एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। दिल्ली को 1952 में पुणे राज्य का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन 1955 में केंद्र सरकार ने इसके पुणे राज्य होने के फैसले का राज्य के पूर्ण संगठन आयोग की सिफारिश को हावड़ा ने रोक दिया। यह नागरिक और जनसत्ता को मंजूरी नहीं था। जनसत्ता ने दिल्ली को पुणे राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग की। 1967 में 5 महीनों का अंतराल में दिल्ली में 3 चुनाव हुए, लगभग एक साथ लोकसभा चुनाव, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और नगरपालिका चुनाव। जनसंघ ने तीनों चुनाव में काफ़ी अच्छा किया। अडवाणी जी की पार्टी ने लोकसभा में 7 में से 6 सीटें हासिल की, काउंसिल में 56 सीटें में से 33 और 100 में से 52 सीटें नगरपालिका में हासिल की थी। 1962 में 14 सीटों से 1967 में 35 सीटों तक जनसंघ भारतीय राजनीति पर धीरे धीरे हावी होने लगा। अडवाणी जी ने काउंसिल चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उन्हें पार्टी की शहरी इकाई की जिम्मेदारी 3 चुनाव तक सौंपी गई थी। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एक्ट के अनुसार केंद्रीय
गुरु मंत्रालय 5 लोगों का काउंसिल में नामांकन के दे सकता था। इस नियम का इस्तेमाल करते हुए अटल जी ने केंद्रीय मंत्री भाई जी अडवाणी जी के लिए नामांकन दाखिल करने को कहा। तब पार्टी ने उन्हें काउंसिल अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार का नामांकन कर दिया। अडवाणी जी चुनाव जीत गए और काउंसिल अध्यक्ष बन गए। विजय कुमार मल्होत्रा जनसंदा में उनकी शादी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बने। अप्रैल 1970 में इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल पूरा होने राज्यसभा के एक नियुक्त थी। पार्टी ने अडवाणी जी को आगे बढ़ाया और काउंसिल में बहुमत होने के कारण अडवाणी जी को वह जगह मिल गई। उसके बाद अडवाणी जी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अध्यक्ष के दफ्तर से संसद भवन पहुँचे। राज्यसभा में अपने शुरुआती भाषणों में अडवाणी जी ने देश ही के मुद्दों पर जोर दिया, जैसे कि देश को मजबूत बनाए रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, कैसे विपक्ष पक्ष को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपस में मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। अटल जी को फरवरी 1968 में पार्टी के अध्यक्ष थे। 1971 के आम चुनाव के बाद अब सत्ता में मुक्त होने की बात सोच रहे थे। अटल जी ने अडवाणी जी से पार्टी का अध्यक्ष बनाने को कहा, क्योंकि वह पहले ही 4 साल पूरे हो चुके थे और अब दूसरों का मौका देना चाहते थे। अडवाणी जी बार बार मना करने पर अड़े थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वह अच्छे वक्त नहीं है और अब जब जनसभा की बात आती है तो वह काफ़ी घबराते जाते हैं, जबकि अटल जी अपनी वक्तृत्वता से आसानी से लोगों को मदमुग्ध कर देते हैं। अटल जी की समझाने पर दिसंबर 1972 में अडवाणी जी भारतीय जनसंदा में अध्यक्ष बने। 25 जून 1975 को तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया और अपना तानाशाही शासन कायम कर लिया। इन्होंने आदेश दिया कि सभी VPC नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में कैद कर दिया जाए। उन्होंने RRIS को प्रतिनिधित्व कर दिया। अटल जी और अडवाणी जी उस समय बेंगलोर में थे, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। जब 18 जनवरी 1976 को चुनाव का ऐलान हुआ तो अटल जी को वापस दिल्ली भेजा गया। देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई और जिस समय चुनाव का ऐलान हुआ उसी समय जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। 28 सदस्यों वाली पार्टी का ऐलान हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई कर रहे थे और चरण सिंह उपाध्यक्ष थे। जनता पार्टी के सदस्य 4 पार्टियों से थे, कांग्रेस, जनसदा, समाजवादी पार्टी और लोकदल, जिन्होंने एक साथ आकर इस नई पार्टी का संगठन किया। अडवाणी जी मथुर लियमाए रामधन और सुरेंद्र मोहन इसकी 4 महासचिव थे। आपातकाल 23 मार्च 1976 को आधिकारिक रूप से खत्म हुआ। चुनाव हुए परिणामों में जनता पार्टी 542 में से 295 सीटों के बहुमत से जीत गई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1976 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। 2 दिन बाद कैबिनेट का शपथ ग्रहण अडवाणी जी जनसदा में 3 लोगों के एक थे जो नई सरकार में शामिल हुए थे। अटल जी को विदेशी मंत्री बनाया गया था, जबकि विजयलाल वर्मा को उद्योग दिया गया था। प्रधानमंत्री ने अडवाणी जी से पूछा कि उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए। बिना किसी झिझक के उन्होंने कहा दिया सुझाव एवं प्रसन्न मंत्रालय। अडवाणी जी को लगता था कि बतौर पत्रकार उन्होंने जो काम किया था उससे उन्हें मीडिया से जुड़े मामलों की असमझ और उनमें रुचि पैदा हो गई थी। उन्होंने सुना भी था कि कैसे आपातकाल के दौरान मीडिया में सब कुछ छीन लिया गया था, वह उसे बदलना चाहते थे। राज्यसभा में भी उन्होंने दूरदर्शन और AIR को स्वतंत्र बनाने की मांग उठाई और उन्होंने इस मांग को लेकर प्रस्ताव पेश करने की बात कही और यह विचार करते ही उन्होंने एक विशेष समिति बनाई और बिना किसी देरी के यह कार्य पूरा हो गया। अगस्त 1977 को यह संदेश पेश किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर अडवाणी जी ने 2 बिल लोकसभा में पेश किया। पहला अपतिजनक सामग्री के प्रकाशन पर लागू रोक के विरुद्ध और दूसरा संसदीय कार्यवाही एक्ट, जिसे फिरोज गांधी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों बिल सदन में काफी उत्साह के साथ पारित हुए। उन्होंने दूरदर्शन और AIR का स्वतंत्र बनाने की मांग को लेकर सदन में भीतर और बाहर कई चर्चाएं शुरू की। इसके लिए बीजी वर्दीस की अध्यक्षता का समूह बनाया गया, जब प्रसार भारती अवधारण इस समूह की सिफारिश में शामिल थी। उन्होंने प्रसार भारती बिल 1977 में सदन में प्रवेश किया, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत थी और वह इस बिल के विरोध में थी। दुर्भाग्यवश जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा चल ही नहीं पाई।
चरण सिंह के इस्तीफा के बाद जनता पार्टी के जगजीवन राम के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इस पर ध्यान ना देते हुए लोकसभा को 22 अगस्त 1979 को भंग कर दिया। इस तरह से 1980 में देश में दोबारा चुनाव होने की नौबत आ गई। एक बार फिर इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गई। द पीपल प्रीटेंडिंग नामक किताब में इस दौर की पूरी घटनाओं को काफ़ी विस्तार में बताया गया है, क्योंकि यह मोरारजी देसाई की सरकारी गिराने के तुरंत बाद और 1980 चुनाव से पहले आई थी। अडवाणी जी कहते हैं, जब आज उन घटनाओं के बारे में सोचता हूँ तो ध्यान जाता है कि जो निष्कर्ष मैंने तब निकाले थे वह आज भी उतनी ही सच है। 5-6 अप्रैल 1980 को 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक अजीवन भावना का बहाव हुआ। एक संकल्प की बात हुई। दिल्ली की फिरोज शाह ग्राउंड में 3500 प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी नामक एक नया संगठन का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का पहला अध्यक्ष चुना गया और सिकंदर भक्त व सूरज बन को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। 1984 में चुनाव से कुछ समय पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिससे कांग्रेस को भावनात्मक जीत प्राप्त हुई और बीजेपी की संख्या बेहद कम रही। वही कांग्रेस को रिकॉर्ड जीत मिली। इसके बाद अडवाणी जी को पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत करने लगे। अडवाणी जी ने नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। यह माना जाता है कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ है और मुगल शासनकर्ता बाबर ने वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारतीय पुरातत्व संरचना विभाग ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि वह वाकई एक मंदिर हुआ करता था। हालांकि मंदिर के तोड़े जाने पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। 1988 के चुनाव में कांग्रेस जीत के बावजूद सरकार नहीं बन सकी और इसलिए वीपी सिंह की सरकार आई। नई सरकार के लिए बीजेपी की सहयोग की जरूरी था। 1991 के आम चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें मिली। 1991-1996 तक पार्टी अडानी जी के नेतृत्व में पीवीसी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनी। 1996 के आम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और राष्ट्रपति ने भी बीजेपी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। हालांकि यह सरकार बेहद कम समय के लिए रही और 13 दिन बाद ही गिर गई। मार्च 1998 में बीजेपी शासित एनडीए वापस सत्ता में आए और अटल जी का एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। इससे पहले देश ने इंदिरा कुमार गुजराल और HD देवागोंडा के रूप में 2 अस्थायी सरकारें देखी। 1996 से 1998 के बीच यूनाइटेड फ्रंट की 2 सरकारों इंदिरा कुमार गुजराल और HD देवागोड़ा के गिरने के बाद लोकसभा में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। NDA ने लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन सरकार केवल 13 हफ्तों तक टिक सकी, क्योंकि तमिलनाडु की नेता जयललिता ने अपना सहयोग वापस ले लिया था। बहुमत ना होने की स्थिति में एक बार फिर लोकसभा भाग हो गई, लेकिन अटल जी चुनाव होने तक प्रधानमंत्री बने रहे। कारगिल युद्ध के कुछ समय बाद 1999 में दोबारा चुनाव हुआ। 13वें लोकसभा चुनाव देश के इतिहास में ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि ऐसी पहली बार हो रहा था कि संयुक्त मोर्चा की पार्टियां पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था और एक स्थायी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। इस सरकार का नेतृत्व अटल जी ने किया था और इस तरह से राजनीतिक अनिश्चितता के एक दौर का अंत हुआ। इस दौर की NDR सरकार ऐसी इकलौती गैरी कांग्रेसी सरकार थी जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। अडवाणी जी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला और बाद में उप प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अडवाणी जी कई बार पाकिस्तान के तलाक मुद्दों पर टक्कर लेते नजर आए हैं। 2004 में भाजप को पराजय मिले और विपक्ष में बैठे गई के बाद से ही अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अडवाणी जी 2004 से 2009 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहे। अडवाणी जी और संघ में रिश्तों में कमजोरी तब आई जब संघ प्रमुख में KS सुदास ने कहा कि अडवाणी और अटल जी को नए लोगों को जगह देनी चाहिए। हालांकि अडवाणी जी ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और भाजपा के 25 वर्ष पूरे होने पर 2005 में दिसंबर में पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह संभाली राजनाथ सिंह ने, जो कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी कनिष्ठ और युवा नेता के रूप में सामने आए। 2009 के चुनाव में अडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष से इसलिए यह माना जा रहा था कि वह आगामी चुनाव जो 16 मई 2009 को ख़त्म होने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए। अडवाणी जी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि अडवाणी जी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता रहे हैं और उनके अलावा सिर्फ अटल जी इतने शिक्षा पर मौजूद थे, लेकिन अटल जी खुद भी अडवाणी जी के पक्ष में थे। 10 दिसंबर 2007 को भाजपा के संसदीय बोर्ड ने यह औपचारिक
ऐलान किया कि 2009 के आम चुनाव के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग चुनाव जीत गए और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर दोबारा काबिज हो गए तो आडवाणी जी ने 15वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बना दिया।